Welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to translate some interesting sentences into different forms of our model, right? So let us start doing this. Failed, right? So पहले कुछ verb के forms देख लेते हैं हम लोग, so that आराम से हम लोग कर पाए. ओके, सो इसको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपके सेंटेंसेस कभी भी परफेक्ट नहीं बनेंगे. ओके, फेल होना. बुक्ड, राइट? बुक्ड, बुक करना. रिजर्व करना. कैंसल्ड, कैंसिल करना. राइट, मैं पास हो गया हूँ. राइट, सो चलिए फटाफट इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए. मैं पास हो गया हूँ. अगर आपको नहीं आ रहा है, यू कैन पॉज द वीडियो. हर एक सेंटेंस के बाद मैं आपको कुछ समय दूंगा और आप क्या करोगे, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और उसके पूरे डायलॉग्स बोलोगे. एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. अब आगे के सारे सेंटेंसेस आप खुद से करने की कोशिश करोगे. जैसे मैंने बोला, मैं पास हो गया हूँ. I have passed. ठीक है, ये उसका इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिया आपने. अब उसके डायलॉग्स बोलोगे. I have passed. मैं पास हो गया हूँ. Have you passed? क्या आप पास हो गए हो? Yes, I have passed. हाँ, मैं पास हो गया हूँ. No, I have not passed. नहीं, मैं पास नहीं हो गया हूँ. नहीं हो गया हूँ. When have you passed? In which subject you have passed? Which exam you have passed? Right? So, इस तरीके से कि आपको पूरा concept clear है, ये आप मुझे बताओगे. आई बात समझ में? Right? So, चलिए great. और फिर उसको मैं अगर बोल रहा हूँ कि आप अब इसे, ये क्या था, कौन सा sentence था? पीछे की बात थी, अभी हो चुकी बात थी. Right? So, आप अगर मैं बोलूँ आपको कि इसको आज्ञा के भाव में ट्रांसफर करो, आज्ञा का भाव ए या आज्ञा का भाव बी, तो आप कैसे करोगे? यू पास, आप पास हो. राइट, और इसके फिर डायलॉग्स भी बनाओगे आप. शुड आई पास? क्या मैं पास हो? यस यू पास, हाँ आप पास हो. नो यू शुड नॉट पास, नहीं आप मत पास हो. वाई शुड आई पास? मैं क्यों पास हो? समझ में आया? तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे मीनिंगफुल और उसके डायलॉग्स बनाओगे. मैं आपको पूरे हिंट्स देता रहूँगा. ओके, तो अगला जो है वो मैं आपसे पूछूंगा और आप उसे ट्रांसलेट करोगे. फिर जिस जिस फॉर्म में मैं बोलूंगा आप उसको ट्रांसलेट करोगे. हर एक के हम दो दो ट्राई करते हैं. ग्रेट, चलिए शुरू करते हैं. तुम फेल हो गए हो. सोचो, पॉज करो. राइट, अगर आपने सही सोचा है तो इसे आप जो है भविष्य की बात और बहुत समय की बात पे बोल करके भेज दो. राइट, भविष्य की बात. तुम फेल हो गए हो, तुम फेल हो जाओगे, ऐसा आएगा भविष्य में. ठीक है, बहुत समय से, मैं बहुत समय से फेल हो रहा हूँ, ऐसे आएगा. ठीक है, ग्रेट. मैंने टिकट बुक किया था. सोचो इसका कैसे आएगा. मैंने टिकट बुक किया था. सोचो, अभी सोचने की बात आ गई, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग. राइट, मैंने टिकट बुक किया था. राइट, अगर आपने बोला है तो आप आगे बढ़ सकते हो. और इसे आप क्या करोगे, आज्ञा के भाव ए में और रोज की बात में बोलोगे. ठीक है, तुमने कैंसिल कर दिया है, तुमने कैंसिल कर दिया है. इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में, सोचो ज़रा, ट्रांसलेट करो और उसके सारे डायलॉग्स बनाओ. मैं कल फिर बुक करूंगा. ओके, सोचिए उसके बारे में. मैं सीट रिजर्व करूंगा.
मैं गणित में फेल होता हूँ। मैं अंग्रेजी में हमेशा पास होता हूँ। मैं फेल हुआ करता था। सोचो, आपको सोचना है, आपको सोचना है, सोचो। ठीक है, ट्रांसलेट हो गया हो तो फिर मैं आगे बोलते जाता हूँ, और जहाँ नहीं हो रहा है पहले उसको पॉज करो, फिर उसकी इंग्लिश में रिपीटेशन करो, फिर आगे बढ़ने देना। ओके, तुम पास हो सकते हो। मैं इस साल शायद पास हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सीट रिजर्व करा रहा हूं। वह सीट रिजर्व करा रहा था। सब पास हो जाएंगे। मैं 3 तारीख के लिए सीट बुक कर रहा हूँ। मैंने टिकट बुक किया। तुमने टिकट कैंसिल किया। राइट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लिए होंगे। अब मैं आपके इन ट्रांसलेशनों को बताने वाला हूँ। राइट, सो मैं खुद ट्रांसलेट करूँगा और डायलॉग्स भी बोलूँगा, तो पॉज करते करते मेरे पीछे भी रिपीट करिए, तो आपका टंग ट्विस्टिंग भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया। हैव यू पास्ड, क्या आप पास हो गए? येस आई हैव पास्ड, हाँ मैं पास हो गया। नो आई हैव नॉट पास्ड, नहीं मैं पास नहीं हो गया। वेन हैव यू पास्ड, आप पास कब हुए? यू हैव फेल्ड, आप फेल हो गए। हैव यू फेल्ड, क्या आप फेल हो गए? येस आई हैव फेल्ड, हाँ मैं फेल हो गया। नो आई हैव नॉट फेल्ड, नहीं मैं फेल नहीं हुआ। When have you failed? आप फेल कब हुए? In which subject you have failed? आप कौन से विषय में फेल हो गए? I had booked the ticket. मैंने टिकट बुक किया। Had you booked the ticket? क्या आपने टिकट बुक किया था? Yes, I had booked the ticket. हाँ मैंने टिकट बुक किया था। No, I had not booked the ticket. नहीं मैंने टिकट नहीं बुक किया था। When had you booked the ticket? आपने टिकट कब बुक किया था? You have cancelled the ticket. आपने टिकट कैंसिल किया। Have you cancelled the ticket? क्या आपने टिकट कैंसिल किया? Yes, I have cancelled the ticket. हाँ मैंने टिकट कैंसिल किया है। No, I have not cancelled the ticket. नहीं मैंने टिकट कैंसिल नहीं किया है। When have you cancelled the ticket? आपने टिकट कैंसिल कब किया है? I will book tomorrow. मैं कल बुक करूँगा। Will you book tomorrow? क्या आप कल बुक करोगे? Yes, I will book tomorrow. हाँ मैं कल बुक करूँगा। No, I will not book tomorrow. नहीं मैं कल बुक नहीं करूँगा। When will you book? आप कब बुक करोगे? Between which station you will book? देखो ये भी हमने सीखा ना अभी questions में। I will reserve the seat. मैं सीट रिजर्व करूंगा। विल यू रिजर्व द सीट, क्या आप सीट रिजर्व करोगे? येस आई विल रिजर्व द सीट, हाँ मैं सीट रिजर्व करूंगा। नो आई विल नॉट रिजर्व द सीट, नहीं मैं सीट रिजर्व नहीं करूंगा। व्हेन विल यू रिजर्व द सीट, आप सीट रिजर्व कब करोगे? आई फेल इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में फेल होता हूँ। Do you fail in mathematics? क्या आप mathematics में fail होते हो? Yes, I fail in mathematics. हाँ मैं mathematics में fail होता हूँ। No, I do not fail in mathematics. रोज़ की बात है तो do लगेगा, है ना? No, I do not fail in mathematics. नहीं मैं मैं mathematics में नहीं fail होता हूँ। Why do you fail in mathematics? आप mathematics में क्यों fail होते हो? I always pass in English. मैं हमेशा English में pass हो जाता हूँ।
राइट सो इसके डायलॉग्स आप बोलिए पूरे। आई यूज टू फेल, मैं फेल हुआ करता था। आई यूज टू फेल, डू यू यूज टू फेल? येस आई यूज टू फेल, नो आई डू नॉट यूज टू फेल, वेन डू यू यूज टू फेल, इन विच सब्जेक्ट यू यूज टू फेल? यू कैन पास, आप पास हो सकते हो। राइट, आई मे पास दिस ईयर, मैं इस वर्ष पास हो सकता हूँ या शायद हो जाओ। आई एम रिजर्विंग सीट फॉर यू, मैं आपके लिए सीट रिजर्व कर रहा हूँ। ही वॉज रिजर्विंग द सीट, वो सीट रिजर्व कर रहा था। ऑल विल पास, सब पास हो जाएंगे। आई एम बुकिंग द टिकट फॉर द थर्ड ऑफ द मंथ, मैं 3 तारीख के लिए बुक कर रहा हूँ। आई बुकड द टिकट, मैंने टिकट बुक किए। यू कैंसल्ड द टिकट, आपने टिकट कैंसिल किए। राइट सो उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आप लोगों से मुझे देखने मिलेगा, सारे डायलॉग्स क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बिना अटके, बिना गलत किए हुए आप बोल करके भेजोगे। राइट सो फर्स्ट आप पहले ट्रांसलेट किए तो आपको सेकंड इसमें तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या गलतियाँ आपने की है। अब उस गलतियों को सुधारिए और फिर उसे पूरे डायलॉग्स बना करके कॉन्फिडेंस से हिंदी इंग्लिश में बोल करके भेज दीजिए। राइट सो कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, ऑल द बेस्ट।